गाइस वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वोलेटाइल ऑयल। मिस वोलेटाइल ऑयल होता क्या है और ये वोलेटाइल ऑयल का क्या अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है। मिस ये वोलेटाइल ऑयल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होता है और साथ ही हम इन वोलेटाइल ऑयल का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, मीन्स क्या इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ कहाँ पे इसको फार्मास्यूटिकल यूज है इसका, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसे पहले पार्ट्स में हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड और टैनिन के बारे में हमने डिटेल में बताया, तो उसका जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वोलेटाइल ऑयल। तो सबसे पहले जानते हैं कि वोलेटाइल ऑयल होता क्या है। वोलेटाइल ऑयल एक तरीके का ऑयल है जो बहुत से प्लांट्स में, ये नेचुरली बहुत से प्लांट्स में, ये प्लांट से कोई स्पेसिफिक पार्ट या तो एंटायर प्लांट में ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और इसी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट या एंटायर प्लांट में स्पेसिफिक ऑर्डर और फ्लेवर होता है। तो इस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट मीन्स बहुत से ऐसे प्लांट्स का स्पेसिफिक पार्ट या उसके एंटायर प्लांट में ये जो ऑर्डर आता है, ये फ्लेवर आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से आता है। तो समझाने के लिए हम यहाँ पे बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्पाइसेस होते हैं, मतलब जितने मसाले होते हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि लौंग हो गया जिसको हम इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं, कार्डमम जिसको हिंदी में इलायची बोला जाता है, क्यूमिन जिसको जीरा बोलते हैं, कारावे जिसको शाहजीरा बोला जाता है, सिन्नामन जिसको दालचीनी बोलते हैं। तो जितने भी मसाले होते हैं इसमें आप देखे होंगे स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक फ्लेवर आता है इसका। तो इन जो ड्रग्स हैं मीन्स इन जो प्लांट का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है, इनके इनमें इन मसालों में स्पेसिफिक जो खुशबू आती है, जो ऑर्डर होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से होता है। इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, वोलेटाइल ऑयल आर द ऑडोरस वोलेटाइल प्रिंसिपल्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट या एंटायर प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, या तो बहुत से एनिमल सोर्स से भी ये वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन होता है। एनिमल सोर्स जैसे कि एग्जांपल मस्क डियर, जिसको हिंदी में कस्तूरी हिरण भी कहा जाता है। तो ये जो कस्तूरी हिरण होता है उसके स्पेसिफिक सैकलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वोलेटाइल प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका स्पेसिफिक ऑर्डर आता है, स्पेसिफिक खुशबू आती है। तो ये हो गया मींस वोलेटाइल ऑयल क्या होता है। वोलेटाइल ऑयल जो है बहुत से ऐसे प्लांट्स हो गए, ये प्लांट्स का एंटायर पार्ट हो गया, या तो कोई इसके स्पेसिफिक पार्ट में ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उस प्लांट के या प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट का ऑर्डर होता है, फ्लेवर आता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा है, एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर वोलेटाइल ऑयल गेट इवेपोरेट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम इन वोलेटाइल ऑयल को अगर प्लांट या प्लांट के कोई स्पेसिफिक पार्ट से इसको अलग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्लोव, तो क्लोव ऑयल को कैसे अलग किया जाता है, क्लोव ऑयल को हम क्लोव बड से अलग करते हैं, क्लोव को हम हिंदी में लौंग कहते हैं। तो लौंग से हम लौंग के तेल को मीन्स क्लोव ऑयल को अलग किया जाता है। नीलगिरी के पत्ते जिसको हम इंग्लिश में यूकेलिप्टस कहते हैं, तो यूकेलिप्टस के लीव से नीलगिरी के तेल को मीन्स यूकेलिप्टस ऑयल को अलग किया जाता है। रोज के पेटल से हम रोज ऑयल अलग करते हैं। तो ये जो ऑयल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल्स कहलाते हैं। तो ये वोलेटाइल ऑयल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मीन्स इसको वोलेटाइल क्यों कहा जाता है। वोलेटाइल मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, अगर रूम टेम्परेचर में उसको एक्सपोज कर दिया जाए एयर से, मीन्स उसको खुला रख दिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसी को हम वोलेटाइल नेचर बोलते हैं। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल होता है, ये वोलेटाइल ऑयल को भी अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर में मीन्स रूम टेम्परेचर में अगर इसको एक्सपोज कर दिया जाए एयर में, या इसको खुला रख दिया जाए कह सकते हैं, तो क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल नेचर बोला जाता है, और इसी कारण से इसको हम इथेरियल ऑयल भी बोलते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल जो है जब उसको एक्सपोज कर दिया जाता है टू द एयर, तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसी कारण से हम इसको वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं, या इसको इथेरियल ऑयल भी कहा जाता है। और दूसरा टाइप होता है ऑयल का, जिसको हम फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं।
फिक्स्ड ऑयल के बोलते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया अराजी ऑयल हो गया, निष्पल्ली का तेल हो गया या सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड ऑयल के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में जब इसको एक्सपोज कर दिया जाए, खुला रख दिया जाए, तो ये वोलेटाइल नहीं होते हैं, मीन्स इवेपोरेट नहीं होते हैं। बट वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल जो है जब इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रख दिया जाए, ओपन रख दिया जाए, तो ये क्या होते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, वोलेटाइल ऑयल रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि ये वोलेटाइल ऑयल में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन केमिकल्स की वजह से इसका जो स्पेसिफिक एसेंस होता है, इसको खुशबू होती है, तो इसी कारण से इन ऑयल्स को क्या बोलते हैं, इन ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल भी बोला जाता है, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट केमिकल्स की वजह से इसका स्पेसिफिक एसेंस आता है, तो इन ऑयल को एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कंटेनिंग एसेंशियल ऑयल या कह सकते हैं एरोमेटिक ऑयल, उसको हम एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। मतलब कि जिस भी प्लांट में ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल को हमने यहाँ पे बताया था कि एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं, तो जिन प्लांट्स के अंदर ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, इन एसेंशियल ऑयल को हम एरोमेटिक ऑयल भी बोलते हैं। तो जिन प्लांट्स में या प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में ये एसेंशियल ऑयल, ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, तो उन प्लांट्स को हम एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये केमिकली वोलेटाइल ऑयल होते क्या है, ये वोलेटाइल ऑयल का जो ये जो ऑर्डर होता है, ये फ्लेवर होता है, वो किस केमिकल की वजह से होता है। तो जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो चीफ केमिकल प्रेजेंट होता है वोलेटाइल ऑयल में, वो कहाँ से डिराइव होता है, वो केमिकली क्या होता है, वो टर्पीन से डिराइव होता है, टर्पीन से डिराइव होता है। अब आते हैं कि टर्पीन्स क्या होता है, तो ये जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, ये वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर कोई एक केमिकल प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स कहाँ से डिराइव होते हैं, ये डिराइव होते हैं फ्रॉम द टर्पीन्स। अब ये टर्पीन्स क्या होते हैं, तो टर्पीन्स जो है ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होता है, मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ होता है, आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ होता है, मतलब कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स डिफरेंट टर्पीन्स हैं, टर्पीन्स के जो बेसिक जो यूनिट होता है, वो यूनिट क्या कहलाता है, आइसोप्रीन यूनिट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट क्या होता है, मतलब वो किससे बना होता है, वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, वैसे ही टर्पीन्स जो होता है, टर्पीन्स जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये टर्पीन्स किससे बना होता है, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, इसका बेसिक यूनिट होता है आइसोप्रीन यूनिट। तो ये आइसोप्रीन यूनिट जो कि बेसिक यूनिट होता है टर्पीन्स का, मतलब कि ये जो टर्पीन्स होते हैं जो वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, इन टर्पीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है, मीन्स ये टर्पीन्स जिससे बना हुआ होता है, जिस यूनिट से बना हुआ होता है, वो आइसोप्रीन यूनिट कहलाता है। और ये आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H8। तो C5H8 जो है आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है N। तो क्या होता है, ये जो टर्पीन्स होते हैं, ये टर्पीन्स जो है आइसोप्रीन यूनिट जो है यहाँ पे कंबाइन होता है, डिफरेंट नंबर में ये आइसोप्रीन यूनिट जो है वो बॉन्डेड होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के टर्पीन्स बनते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल, मतलब कि वोलेटाइल ऑयल में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर और फ्लेवर होता है, वो केमिकल्स टर्पीन्स के डेरिवेटिव होते हैं, मेमेली मोनोटर्पीन्स एंड सेस्क्यूटर्पीन्स। मोनोटर्पीन्स और सेस्क्यूटर्पीन्स क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि टर्पीन्स में आइसोप्रीन यूनिट होता है, तो अगर दो आइसोप्रीन यूनिट जब कंबाइन होते हैं, दो आइसोप्रीन यूनिट मिलके क्या बनते हैं, मोनोटर्पीन्स बनते हैं। और सेस्क्यूटर्पीन्स क्या होते हैं, सेस्क्यूटर्पीन्स जब तीन आइसोप्रीन यूनिट जब कंबाइन होते हैं, तीन आइसोप्रीन यूनिट मिलके जो है सेस्क्यूटर्पीन्स बनते हैं, मीन्स ऐसे केमिकल्स जिसमें तीन आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम सेस्क्यूटर्पीन्स कहते हैं, और ऐसे केमिकल्स जिसमें दो आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है, उसको हम मोनोटर्पीन्स कहते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल में जनरली मोनोटर्पीन्स या सेस्क्यूटर्पीन्स प्रेजेंट होता है, या तो इस टर्पीन्स का ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, या हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट होता है,
या इसको हम कहते हैं टर्पीनॉइड्स, मतलब कि टर्पीनेंस के ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स को हम टर्पीनॉइड्स कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स मतलब कि ये जो टर्पीन्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसका ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव मतलब कि ये जो टर्पीन्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, या तो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, या तो एल्डिहाइड, या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स को हम क्या बोलते हैं टर्पीनॉइड्स बोलते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल्स जो है टर्पीनॉइड्स कहलाते हैं। वो डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो टर्पीन्स के डेरिवेटिव होते हैं या तो उसके ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स टर्पीन्स के ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम टर्पीनॉइड्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये आइसोप्रीन यूनिट का है, और ये जो आइसोप्रीन यूनिट है तो हमने आपको बताया था ये आइसोप्रीन यूनिट से ही टर्पीन्स बनते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है टर्पीन्स आइसोप्रीन यूनिट का C5H8, तो इसी को हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आइसोप्रीन यूनिट का स्ट्रक्चर है। तो इसी आइसोप्रीन यूनिट से डिफरेंट नंबर के आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप्स के टर्पीन्स बनते हैं, जैसे कि मोनोटर्पीन्स, sesquiterpenes, diterpenes, triterpenes, tetraterpenes and polyterpenes. मोनोटर्पीन्स क्या होता है, तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि मोनोटर्पीन्स में दो आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है, मीन्स दो आइसोप्रीन यूनिट मिलके मोनोटर्पीन्स बनते हैं, मीन्स इन मोनोटर्पीन्स में जो दो आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होते हैं इनका कार्बन और हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, या तो इनका साइक्लाइजेशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोटर्पीन्स की सिंथेसिस होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के कोई स्पेसिफिक पार्ट में। इन डिफरेंट टाइप्स की मोनोटर्पीन्स की सिंथेसिस होती है by the combination of two isoprene unit। ये हो गया। उसके बाद आते हैं sesquiterpenes। sesquiterpenes जो है तीन isoprene unit मिलके sesquiterpenes बनते हैं, मींस ऐसे केमिकल्स जिसमें तीन isoprene unit प्रेजेंट होता है तो उसको हम sesquiterpenes कहते हैं। वैसे diterpenes, diterpenes में four isoprene unit प्रेजेंट होता है, और tetraterpenes में eight isoprene unit प्रेजेंट होता है, triterpenes में six isoprene unit प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया टर्पीन्स के टाइप्स। तो वोलेटाइल ऑयल्स में जो मेनली जो प्रेजेंट होता है, मेनली वोलेटाइल ऑयल्स में मोनोटर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टू आइसोप्रीन यूनिट कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है, या तो सेस्क्यूटर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स थ्री आइसोप्रीन यूनिट कंटेनिंग केमिकल होता है। तो वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका स्पेसिफिक ऑर्डर स्पेसिफिक फ्लेवर होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स विच इज डिराइव फ्रॉम द टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट विच इज नोन एज टर्पीनॉइड्स। मतलब टर्पीन्स यानी टर्पीनॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से इन वोलेटाइल ऑयल का क्या होता है ऑर्डर और फ्लेवर होता है। तो इसे हमने यहाँ पे लिखा है टर्पीनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ वोलेटाइल ऑयल। मीन्स वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं, ये टर्पीनॉइड्स कहलाते हैं, और ये जो टर्पीनॉइड्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्डर और फ्लेवर के उस वोलेटाइल ऑयल के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइमोनिन का स्ट्रक्चर है। लाइमोनिन क्या होता है, लाइमोनिन जो कि टर्पीनॉइड है ये मोनोटर्पीनॉइड्स के अंदर आता है, और ये प्रेजेंट होता है लेमन पील में। लेमन पील मतलब कि जो नींबू का जो छिलका होता है उसमें जो ऑयल प्रेजेंट होता है उस ऑयल में जो एक्टिव केमिकल प्रेजेंट होता है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लाइमोनिन, और ये लाइमोनिन मोनोटर्पीन्स के अंदर आता है। मीन्स जो लेमन ऑयल के अंदर जो उसका ऑर्डर होता है उसकी जो फ्लेवर होता है वो किसकी वजह से होता है, जो मेन केमिकल होता है वो है वो लाइमोनिन। और ये लाइमोनिन का स्ट्रक्चर क्या है, ये आप देख रहे हैं ये लाइमोनिन का स्ट्रक्चर है, और ये दो आइसोप्रीन यूनिट मिलके बना हुआ है। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एक आइसोप्रीन यूनिट है, और दूसरा आप देख रहे हैं ये दूसरा आइसोप्रीन यूनिट है। तो यहाँ पे आप पांच कार्बन देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 and 5, और दूसरा 5 कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5, मतलब कि दो आइसोप्रीन 5 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन यूनिट जो होता है, तो दो आइसोप्रीन यूनिट बन मिलके क्या बना,
मोनो टर्पिन बना एक स्पेसिफिक टाइप का जिसका नाम है लाइमोनिक। वैसे ही हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है मेंथॉल, तो मेंथॉल भी मोनो टर्पिन के अंदर आता है। और ये मेंथॉल किस में प्रेजेंट होता है, मीन्स ये जो मेंथॉल केमिकल होता है जो मोनो टर्पिन है ये प्रेजेंट होता है मैंथा में। मैंथा मतलब कि जो पुदीना होता है उस पुदीने के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है उस वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो मेन केमिकल प्रेजेंट होता है वो है मेंथॉल। तो आप ये जो देख रहे हैं ये मेंथॉल का स्ट्रक्चर है और ये भी दो आइसोप्रीन यूनिट मिलके बना है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है सिट्रल। तो ये सिट्रल भी क्या होते हैं, ये सिट्रल भी टर्पिनॉइड है और ये भी मोनोटर्पिनॉइड्स के अंदर आता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये भी लेमन पिल में प्रेजेंट होता है। लेमन पिल के ऑयल में ये प्रेजेंट होता है ये सिट्रल जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्कोहलिक है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्डिहाइड ग्रुप है। इसी कारण से हमने यहाँ पे बोला था कि जो टर्पीन्स होते हैं और वोलेटाइल ऑयल के अंदर या तो टर्पीन्स होते हैं मीन्स हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है या तो इन टर्पीन्स का ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या, या तो उसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसी को हम ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये टर्पीन्स या टर्पीन्स के ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं वोलेटाइल ऑयल में, जिसकी वजह से उसका स्पेसिफिक ऑर्डर, उसका स्पेसिफिक फ्लेवर आता है। तो ये हो गया वोलेटाइल ऑयल के बारे में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। मतलब वोलेटाइल ऑयल कहाँ कहाँ पे अकर होता है, तो मोस्टली ये जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है या तो एंटायर प्लांट में प्रेजेंट होता है किसी किसी प्लांट में ये वोलेटाइल ऑयल, या तो ये वोलेटाइल ऑयल उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये वोलेटाइल ऑयल उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में या उस प्लांट के स्पेशल सिक्रेटरी पार्ट में प्रेजेंट होता है या कोई स्पेसिफिक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, ये हेरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या किसी किसी प्लांट के स्टेम में या लीफ में ये हेरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको ट्राइकोम्स बोला जाता है। तो बहुत से प्लांट्स में इसी हेयर में क्या कह सकते हैं, ट्राइकोम्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मिंट, मिंट के जो स्टेम होते हैं इसके लीव्स में जो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, वहां पे इसका अकरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑयल डक्ट और ऑयल सेल। मीन्स बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसमें ऑयल डक्ट प्रेजेंट होता है या स्पेसिफिक ऑयल सेल प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसी पार्ट के अंदर फिर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि एग्जांपल अम्बेलीफेरस फ्रूट्स। तो ये अम्बेलीफेरस फ्रूट्स क्या होते हैं, ये अम्बेलीफेरस फ्रूट्स मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे फ्रूट्स जो हमको कहाँ से मिलते हैं, अम्बेलीफेरस प्लांट से मिलते हैं। और ये अम्बेलीफेरस प्लांट जो है अम्बेलीफेरी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इन अम्बेलीफेरी फैमिली को बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो हमको फ्रूट ऑब्टेन होता है उसको हम अम्बेलीफेरस फ्रूट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल कोरिएंडर, फेनल मतलब कि सौंफ हो गया, कोरिएंडर मतलब धनिया हो गया, साहजीरा जिसको हम इंग्लिश में कारवे बोलते हैं, क्यूमीन जिसको हम जीरा बोलते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स का जो फ्रूट होता है ये क्या होते हैं, ये अम्बेलीफेरस फ्रूट्स के अंदर आते हैं। तो इन जो फ्रूट्स के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो स्पेसिफिक ऑयल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मीजोफाइल। मीजोफाइल क्या होते हैं, ये सब एपिडर्मल लेयर होता है लीव का और इसका एग्जांपल हमने लिखा है यूकेलिप्टस लीव। तो यूकेलिप्टस लीव के जो सब एपिडर्मल लेयर सेल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। यूकेलिप्टस को हिंदी में हम नीलगिरी कहते हैं और इससे जो ऑयल निकलता है उसको हम नीलगिरी का तेल कहते हैं। वैसे ही रिंग और मीन्स जो आउटर पिल होता है, जो छिलका होता है उसमें ऑयल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। तो लेमन और ऑरेंज का जो आउटर पिल होता है मीन्स जो छिलका होता है उसमें जो प्रेजेंट होता है वोलेटाइल ऑयल। उसके बाद आते हैं हार्ड वुड। हार्ड वुड मतलब कि जो इनर वुड होता है, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके इनर वुड में प्रेजेंट होता है वोलेटाइल ऑयल। जैसे कि एग्जांपल सैंडल वुड मतलब कि जो चंदन की जो लकड़ी होती है उसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। दूसरा एग्जांपल जैसे बहुत से ऐसे फ्लावर्स के पैटर्न में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल रोज। तो वोलेटाइल ऑयल कहाँ प्रेजेंट होता है, रोज में, रोज के पैटर्न्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया
अकरेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, फिर ये जो वोलेटाइल ऑयल होता है ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट फैमिली को ये वोलेटाइल ऑयल बिलोंग करता है और इन डिफरेंट फैमिलीज में ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. जैसे कि एग्जाम्पल अम्बेलीफेरी फैमिली, अम्बेलीफेरी फैमिली के अंदर बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं और उन प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं. तो अभी हमने आपको बताया था, तो अम्बेलीफेरी फ्रूट के अंदर के एग्जांपल में आते हैं, अम्बेलीफेरी फैमिली के अंदर में आते हैं कोरिएंडर, फैनल. कोरिएंडर फैनल जो कि अम्बेलीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है, वैसे ही क्यूमीन, कैरोवे, ये सब भी अम्बेलीफेरी फैमिली के अंदर आता है जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं इसके फ्रूट के अंदर. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूटेसी फैमिली. रूटेसी फैमिली को बिलोंग करता है ऑरेंज और लेमन. तो ऑरेंज और लेमन के जो पिल में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मिर्टेसी फैमिली. मिर्टेसी फैमिली में आता है क्लोव, यूकेलिप्टस. तो क्लोव के बड में प्रेजेंट होता है, क्लोव के फ्लावर बड में प्रेजेंट होता है और यूकेलिप्टस के लीव्स में प्रेजेंट होता है ये वोलेटाइल ऑयल. इसी और ये दोनों बिलोंग करते हैं मिर्टेसी फैमिली को. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फैमिली पिपरेसी. तो पिपरेसी के अंदर आता है ब्लैक पिपर. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेबिएटी. लेबिएटी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है तुलसी हो गया, मेंथा हो गया, मीन्स पुदीना हो गया. तो ये क्या होता है, ये दोनों लेबिएटी के अंदर आते हैं और इनके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जिंजीबेरेसी फैमिली. तो जिंजीबेरेसी फैमिली के अंदर आता है कार्डमम. तो ये कार्डमम, ये कार्डमम के अंदर भी इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और ये जिंजीबेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है. नेक्स्ट फैमिली जैसे कि एग्जाम्पल ग्रैमिनी. तो ग्रैमिनी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला हो गया या वेटिवर जिसको हम खस भी बोलते हैं, तो इनके अंदर भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और ये तीनों किस में बिलोंग करते हैं, ये तीनों ग्रैमिनी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज जिसमें ये वोलेटाइल ऑयल्स इन डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को जो बिलोंग करने वाले प्लांट होते हैं उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में ये वोलेटाइल ऑयल्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. और उसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल. तो ये जो वोलेटाइल ऑयल होता है इसका डिफरेंट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस होता है और ये वोलेटाइल ऑयल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इसको डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है. तो यहाँ पे हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है एज अ फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग एजेंट. तो जैसा हमने आपको बताया था कि वोलेटाइल ऑयल में स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, फ्लेवर होता है, इसी कारण से इसको डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में इसको यूज़ किया जाता है, डिफरेंट प्रिपरेशन में उसको यूज़ करते हैं एज अ फ्लेवरिंग और परफ्यूमिंग एजेंट उसको यूज़ किया जाता है. दूसरा है इसका कार्बिनेटिव प्रॉपर्टी. तो बहुत से वोलेटाइल ऑयल की क्या होती है, कार्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है. कार्बिनेटिव्स क्या होते हैं, कार्बिनेटिव ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से क्या करते हैं, गैस जो अगर फॉर्मेशन हो गया तो उसको क्या करते हैं, उससे रिलीफ दिलाते हैं या तो गैस के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं. तो ऐसे ड्रग्स को हम कार्बिनेटिव्स कहते हैं. तो ये जो कार्बिनेटिव्स होते हैं ये बहुत से वोलेटाइल ऑयल जिनकी कार्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एग्जांपल फैनल, कोरिएंडर, ये क्या होते हैं, इसकी कार्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है और इसी वोलेटाइल ऑयल की वजह से इसकी कार्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. वैसे ऐसे वोलेटाइल ऑयल की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एग्जांपल यूकेलिप्टस, नीलगिरी का जो तेल होता है, यूकेलिप्टस ऑयल की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट काउंटर इरिटेंट. तो बहुत से ऐसे ऑयल होते हैं जिसकी काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बहुत से ऐसे वोलेटाइल ऑयल होते हैं जो इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल सिट्रोनेला. सिट्रोनेला जो होता है, इस सिट्रोनेला ऑयल जो है इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है इस ऑयल की. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेडेटिव. जेटामेंसी होता है, जेटामेंसी की सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल होता है और इसी वोलेटाइल ऑयल की वजह से क्या होता है, इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है. तो ये हो गया डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल. और भी बहुत से ऐसे वोलेटाइल ऑयल होते हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा मीन्स वोलेटाइल ऑयल को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अलावा इसको फूड इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स में इसको यूज करते हैं इन वोलेटाइल ऑयल को. तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल. तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वोलेटाइल ऑयल होता क्या है और केमिकली वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, उसका अक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के
के बारे में और उसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल एक तरीके का ऑयल है जो कि ऑडोरस प्रिंसिपल होता है, मीन्स बहुत से प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट का ऑडोरस प्रिंसिपल, मीन्स उन प्लांट्स या प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में जो ऑडर आता है, फ्लेवर आता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वोलेटाइल ऑयल। और ये वोलेटाइल ऑयल केमिकली होते क्या है? ये वोलेटाइल ऑयल्स केमिकली टर्पीन्स होते हैं, टर्पीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, या तो उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं टर्पीन्स के, जिसको हम टर्पीनॉइड्स बोलते हैं। और इसी केमिकल्स की वजह से, मीन्स टर्पीनॉइड्स की वजह से इन वोलेटाइल ऑयल का ऑर्डर या स्पेसिफिक फ्लेवर होता है। तो ये हो गया वोलेटाइल ऑयल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। तो उस चैनल में जाने का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर उस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।